हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज आप लोगों को लग रहा होगा ये कौन सा काम चल रहा है, तो आज वीडियो क्लीनिंग से शुरू हो रहा है। तो उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं मॉप लेके आई थी, तो फाइनली आज उसका नंबर आ गया है, तो मैंने उसको निकाल लिया है। तो उसी को मैं तैयार कर रही थी, मतलब उसका जो डंडा वंडा होता है ना उसको सेट कर रही थी, और उसमें जो प्लेट टाइप की रहती है उसमें मॉप पोछा लगा रही थी मैं उसमें भी। तो ये देखिए इतना आप लोगों को क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे बस मैं अपना मॉप तैयार कर लेती हूँ। तो मुझे आज करनी है घर की क्लीनिंग, क्योंकि दिवाली आ गई है। दिवाली से पहले अभी नवरात्रि आ गई है, तो नवरात्रि में मैं अपना घर थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती हूँ जितना हो पाता है। तो यहाँ पे मुझे आज पूरे घर की करनी है क्लीनिंग। तो यहाँ पे मेरा मॉप तैयार हो गया है, और रुद्रांश की मस्ती आप लोगों को दिख ही रही होगी कि क्या करता रहता है ये सारा दिन। और ये देखिए इस मॉप के साथ ना दो पोछे आए हुए थे, तो एक मैं अभी इसको यूज़ कर लूँगी और एक बात के लिए मुझे हो जाएगा। तो वो बोलते हैं ना औरतों के पास ना कोई ना कोई जुगाड़ होती है घर को चलाने के लिए। तो ये देखिए मैंने भी एक जुगाड़ लगाई हुई है घर की क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो पोछा था ना उसी से ही मैंने घर में सारी जगह क्लीनिंग, मतलब डस्ट जो है ना डस्ट साफ कर ली उससे। तो दीवारों पे जो डस्ट रहती है ओने कोने में, तो सारी अच्छे से साफ कर ली उससे। लाइट वगैरह पे मैंने सारी दीवारों पे अच्छे से उसको, मतलब वो जो पोछा है ना वो अच्छे से रोटेट हो जा रहा था, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जा रही थी उससे। तो यहाँ पे मैंने सारे घर की दीवारें, पंखे, ये झूमर है ना, जहाँ जहाँ पे मेरा हाथ नहीं जा पाता था क्लीनिंग करने के लिए, तो मैंने सारी जगह मैंने क्लीनिंग कर ली है इस पोछे से। और ये देखिए कितने अच्छे से हो जा रहा है, मतलब ज़्यादा वो भी एफर्ट भी नहीं लग रहा है और टाइम भी नहीं लग रहा है, फटाफट से हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं सारे घर की कर लेती हूँ क्लीनिंग। और यहाँ पे ना मैंने जो खिड़की है ना, खिड़कियों को भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया। जो कांच होते हैं ना खिड़की के, वहाँ पे भी अच्छे से हाथ नहीं जा पाते, इतनी हाइट भी नहीं है कि वहाँ तक हाथ जा पाए। तो इस पोंछे से मतलब मुझे बहुत हेल्प मिली हुई है। तो यहाँ पर मैंने सारे घर की सफाई कर ली है, और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही थी कि ये देखिए पोंछे में कितनी सारी डस्ट निकली हुई है, कितने अच्छे से साफ हो रहा है इस पोंछे से। तो यहाँ पे ये देखिए मैं कांच वगैरह भी साफ कर लेती हूँ खिड़की के, और यहाँ पे ना मैंने एसी को भी अच्छे से साफ कर लिया। ये देखिए कितनी अच्छे से क्लीनिंग हो रही है। तो अभी डस्टिंग मेरी सारी हो गई है, जो भी जो हाइट हाइट पे थी, मतलब जो ऊपर तरफ थी, मैंने वो सारी कर ली है। और मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था ना सामान था मेरे पास, तो मुझे वो लगाना है। तो मैंने किचन की भी लगे हाथ सफाई कर ही ली, मतलब थोड़ी बहुत कर ली। तो यहाँ पे मुझे वो सामान रखना था, तो मैंने सामान पहले तो ये ड्रॉ साफ किया मैंने, फिर उसके बाद यहाँ पे सामान लगाया। और साइड में आपको दिख रहा होगा रुद्रांश का क्या काम चला, उसके बिस्किट रखे हुए हैं तो वो उनको लगा रहा है। तो आप लोगों को दिख ही गया है। और यहाँ पे मैं अपना जो भी सामान था उसको भी लगा दिया, किचन की भी अच्छे से सफाई हो गई है। और बस यहाँ पे ना ये रैक रखा हुआ था, मुझे इसको अच्छे से साफ करना था, तो मैंने यहाँ पे ना सारा सामान निकाल के इसकी भी अच्छे से डस्ट वगैरह जो थी ना, मतलब एक दो हफ्ते से साफ नहीं होता तो काफ़ी गंदा हो रहा था, इसको भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है कोलिन लगा के। तो पता है क्या हुआ मुझे ना, जब भी मैं पूरे घर की डस्टिंग करने जाती हूँ तो मुझे एक कोलिन तो पूरी लग ही जाती है, क्योंकि घर बड़ा है और सारा लकड़ी लकड़ी का है ना, तो मुझे एक एक कोलिन की वाटर लग जाती है साफ करने में। तो यहाँ पे ये कांच भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, और कांच का तो ऐसा है ना मुझे हर हफ्ते साफ करना पड़ता है। रुद्रांश के पापा जाते हैं कंघी करते हैं, वहीं उसके पास में खड़े होते हैं, और कांच को हर मतलब कि वो छींटे जाते हैं ना पानी के, तो वो गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे बस क्लीनिंग मेरी हो गई है, अभी मुझे लगानी है घर में झाड़ू। तो यहाँ पे मेरे सारे घर में झाड़ू लग गई है, ये देखिए। और घर में आप लोगों को दिख ही रहा होगा कितना सारा कचरा निकला हुआ है, और इतने और इसमें आधे से ज़्यादा तो रुद्रांश ने पेपर फाड़ फाड़ के फेंक दिए थे। उसको जिस चीज़ का मना करो ना तो वो वही करता है, तो कभी कभार तो वो थोड़ा बहुत तंग भी करता है। तो बस यहाँ पे मेरे सारे घर में झाड़ू लग गई है, और अभी यहाँ पे मुझे लगाना है पोछा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ना जो मॉप था ना उसी से ही पोछा लगा रही हूँ, देखो कितने अच्छे से लग रहा है। तो इससे मेरा थोड़ा सा काम आसान हो गया है, कि मतलब बैठ के अभी पोछा लगाती थी तो टाइम लग जाता था, बट अभी डंडे के उससे और इसको लगा लिया ना तो आराम से हो जा रहा है मेरा।
तो यहाँ पे ये देखें, और मॉप मतलब चारों तरफ घूम भी सकता है, तो आसानी से इससे पोछा लग जा रहा है। तो इसमें एक साइड गीला कर सकते हैं और इसको दूसरी साइड हम पोछे को सुखा भी सकते हैं, मतलब कि गीला कितना रखना है सूखा। तो यहाँ पे बस मेरा पोछा भी लगा लग गया है और मेरा घर ना अभी बहुत अच्छा चमक रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरी किचन भी कितनी अच्छी चमक गई है, सारा अच्छे से साफ कर दिया है मैंने पूरा घर। मैं सोच रही थी आज मंदिर भी साफ कर दूँ, बट काफी लेट हो गया था, भूख भी बहुत तेज लग रही थी, तो तो मैंने कहा ये चलो देखिए, कल आज सोफे करूंगी। की थोड़ा ही उलट पलट कर दिए हैं सोफे को, मतलब कि जो ये 3 सीटर वाला जो सोफा है ना, वो यहाँ पे रखा हुआ था, और ये वाले जो है ना, ये यहीं पे रखे हुए थे, तो और टेबल भी यहीं पे रखी हुई थी। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को मुझे बताना जरूर। पहले हम लोगों ने पता है क्या किया था, ये जो सोफे है ना, ये 2 सीटर वाले सोफे इधर लगा दिए थे साइड में, एक इस साइड लगा दिया था, एक उस साइड लगा दिया था, और जो वो सोफा दिख रहा ना आप लोगों, बड़ा वाला जो 3 सीटर वाला, वो सामने में लगा दिया था, बट जगह फिर ना यहाँ पे बहुत कम हो रही थी इधर, इसलिए हमको इस तरीके से रखना पड़ा। और ये जो टेबल है ना, ये एक टेबल हमने यहाँ पे रख दी है, हाँ, और ये और नीचे साउंड रख दिए हैं, तो एक टेबल यहाँ रख दी है और बाकी की ये जो है टेबल ये वाली यहाँ रख दी है, तो कुछ इस तरीके से कर दिया है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, बट देखते हैं कितने दिन तक चेंज रहता है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा तो वापस से रखेंगे उसको। तो यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ अभी नहाकर, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने मट्ठा ले लिया है और उसका घोल बना रही हूँ, तो बेसन ले लिया है और मट्ठा ले लिया, तो उसका घोल बना रही हूँ कड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी, उसमें 2 छोटा चम्मच मैंने ना सरसों का तेल डाल दिया, तेल अच्छे से ना उसमें गर्म हो गया था, फिर उसमें मैंने 2 सूखी लाल मिर्च ली हुई है उनको डाल दिया है। मिर्ची थोड़ी हमारी भुन गई थी, फिर उसके बाद ना मैंने मेथी दाना डाल दिया है, मेथी दाना अच्छे से हमारा सिक गया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन हरी मिर्ची अदरक अच्छे से कूट लिया था उसको डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने लहसुन बहुत सारा लिया था, लहसुन और अदरक, तो अभी इन सबको भी अच्छे से सेक लेंगे तब ये भुन जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हम अपना जो कढ़ी का घोल, सॉरी जो मट्ठे का घोल बना के रखा हुआ था उसको डाल देंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे ना हींग भी डाल दी है, तो ये देखिए मैंने इसमें घोल डाल दिया है, और इसमें पतला काढ़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने इसके बाद थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है कढ़ी को पतला करने, क्योंकि अभी वो पकेगी ना तो फिर टाइट हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बस मेरा घोल भी अच्छे से उबाल आने लग गया था, फिर उसमें मैंने हल्दी डाल दी है। तो अभी इसको बनने रख देते हैं एक साइड, तब तक हम अपना दूसरा काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने बेसन लिया हुआ है, और बेसन में हल्दी डाल दी है, मिर्ची डाल दी है और धनिया डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा सब डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है, अजवाइन भी डाली हुई थी मैंने यहाँ पे। तो फिर इसके बाद ना मैंने इसमें नमक डाल दिया, इन सबको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने एक आलू लिया हुआ था मीडियम साइज का, स्लाइस में स्लाइस करके रखा हुआ था उसको डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पे एक मैंने मीडियम साइज की प्याज ली हुई थी उसको भी डाल दिया इसी घोल में। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे जब तक हमारी कढ़ी में उबाल आएगा, तो मतलब कि कढ़ी जब तक हमारी बनेगी तब तक यहाँ पे हम अपना दूसरा काम भी कर ले देंगे। तो यहाँ पे मैं पहले मसाले ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के धनिया लिया हुआ, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे मिर्ची ली हुई है। तो चलिए यहाँ पे तब तक हमारी कढ़ी बनेगी, तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं तब तक अपने पकौड़े भी बना लूंगी। तो ये देखिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें अपने पकौड़े बनाएंगे। तो ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया था, मैं इसमें एक एक करके पकौड़े डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ना कड़ी में नमक डालने वाली क्लिप ना मेरे से डिलीट हो गई, तो आप लोगों को लगेगा कि मैंने नमक तो डाला ही नहीं है, इसलिए मैंने जब वॉइस रिकॉर्डिंग की ना तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए यहाँ पे हम अपने पकौड़े भी बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। और आज पता है भूख इतनी तेज लगाई थी, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं बना पाया, कड़ी चावल ही बनाए, क्योंकि टाइम हो गया था क्लीनिंग करते टाइम भी, और रुद्रांश को तो मैंने पहले ही खिला दिया था उसको, तो उसको बना के भी रख दिया था नाश्ते के टाइम पे। तो क्योंकि टाइम तो लग ही जाता किसी भी काम को करने बैठो और कुछ भी करो, तो भाई मेहनत तो थोड़ा बहुत रंग लाती है जब मेहनत करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइनली हमारी कढ़ी बन गई है, और मैं कढ़ी में लगा रही हूँ छौंक। तो यहाँ पे मैंने चम्मच में ही 1 चम्मच मतलब 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है। मेरे पास वो तड़का पैन नहीं है ना, तो मैं चम्मच से ही करती हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे हींग डाल दी है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जीरा लिया हुआ है आधा चम्मच, और यहाँ पे मैंने थोड़े से राई के दाने लिए हुए हैं, और ये सब अच्छे से चटकने लग जाएंगे। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें वो रेड चिली पाउडर रहता है ना जो लाल मिर्च, वो डाल दूंगी मैं इसमें। फिर
जब ये सब अच्छे से चटकने लग जाएगा फिर इसके बाद मैं इस तड़के को ना जो अपने कढ़ी का घोल जो कढ़ी बन गई है उसमें लगाएंगे हम अपना तड़का। तो ये देखिए हमारी कढ़ी में लग गया है तड़कता भड़कता तड़का। बस आज इतना ही है खाने में, कढ़ी चावल पापड़ और मिर्ची, बस आज इतना ही बना पाए हैं। तो चलिए खा लेते हैं हम अपना खाना। तो कल से शुरू हो रही है नवरात्रि, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो मेरा आज का कल मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों को सब लोगों को बोलती हूँ मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि आपको और आपके पूरे परिवार को। तो चलिए मैं भी ना इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, और अभी हो गया रात का टाइम, तो खाना पीना सब हो गया है, अभी सुलाना है रुद्रांश को। तो अभी कितना टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है। तो मैं पता है क्या हुआ, काम करने से जैसे ही फ्री हुई थी खाना पीना खाया मैंने, उसके बाद में इतनी तेज नींद आई ना कि पूछो ही नहीं, पर मैं मतलब बहुत अच्छी वाली नींद ले ली मैंने, तो 2-2.5 घंटे में सोई मैं। उसके बाद मैंने बर्तन भी नहीं धोए, फिर जब मैं सोकर उठी फिर मैंने उसके बाद बर्तन धोए, और फिर अभी चाय पानी वगैरह हुआ, पर अभी खाना पीना सब हो गया है, जस्ट अभी फ्री हुई हूँ मैं। तो मुझे लगा मैंने वीडियो करना है अभी इसी वीडियो का एंड, और रुद्रांश को सुलाना है। क्या करना है आपको? तो चलिए मैं भी इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों से अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। बाय बाय।